नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बी। पूर्वी ने एट मोमेंट बदल दी दुल्हन। प्रेयसी के चंगुल से कुछ इस तरह से बचाया वीर को, लेकिन इस बात से अनजान क्या करेगा वीर। वेल, पूर्वी बहुत कोशिश करती है प्रेयसी और वीर की शादी रोकने की, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, ऐसे बुरा देख नहीं सकती पूर्वी, और वो भी तब जब उसे सारी साजिश पता थी प्रेयसी और अंजलि की। ऐसे में उसके पास बस यही एक रास्ता बचता था, सो उसने वही किया। यहाँ आप देखेंगे कि प्रेयसी वीर की शादी के बीच पूर्वी एक सब करती नजर आ रही है। यहाँ पूर्वी प्रेयसी को मंडप में ले जाने से पहले जूस पिलाती है ताकि वो बेहोश हो जाए, और इसके बाद पूर्वी प्रेयसी की जगह सुधा को बिठा देगी मंडप में, क्योंकि पूर्वी को भी पता है कि वीर के लिए सुधा परफेक्ट है। जबकि बात अगर करें प्रेयसी की, तो प्रेयसी उसे लगातार धोखा दे रही है, और आप सबको तो पता ही है कि प्रेयसी के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात करें सुधा की, तो सुधा वीर को सच्चा प्यार करती है, वो लालची बिल्कुल भी नहीं है। जबकि प्रेयसी पर मुखियाइन बनने का भूत चढ़ गया है, और ये भूत चढ़ा दिया है अंजलि ने। खैर, यहाँ पर आपको बता दें, जब पूर्वी जूस दे रही होती है प्रेयसी को, तो अंजलि आ जाती है वहाँ पर प्रेयसी को ले जाने के लिए, जिसके बाद पूर्वी कहती है आप जाइए, मैं इसे मंडप में लेकर आती हूँ। फिर मंडप में दुल्हन को लेकर आती है पूर्वी। ये दुल्हन प्रेयसी नहीं बल्कि सुधा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर शादी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, और अब बस एक रस्म बचती है जिसमें दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है, और जब ये काम करता है वीर, तो इसके बाद यहाँ पर प्रेयसी की जगह होती है सुधा, तो हर कोई हैरान रह जाता है। हालांकि जब शादी की सारी रस्में चल रही होती है, तो उस वक्त पूर्वी मन ही मन सोचती है कि क्या होगा। फिलहाल तो पूर्वी ने कर दिया है सभी की भलाई के लिए, लेकिन अब इसके बाद सबका गुस्सा फूटने वाला है पूर्वी पर, तो क्या होगा। इस वीडियो में बस इतना ही।